Hello students, in this video I will be talking about nervous system of cockroach. अच्छा nervous system of cockroach की अगर आप बात करोगे तो ये कुछ अलग नहीं है, जैसे humans का nervous system होता है वैसे ही almost आप समझ सकते हो कि cockroach का भी nervous system होगा. जब आप nervous system of cockroach की बात करोगे तो सबसे पहली बात, nervous system को मान लीजिए मैं NS लिख देता हूँ. NS मतलब nervous system. तो कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में तीन चीजें अवेलेबल है. एक आप कहते हो सीएनएस. अब सीएनएस क्या होता है तो आप कह दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दूसरा जो होता है वो आप कहते हो पीएनएस. पीएनएस क्या होता है तो आप कह दो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और जो तीसरा है वो हम कहते हैं एएनएस. एएनएस क्या होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. सवाल ये उठता है कि सीएनएस में क्या है, पीएनएस में क्या है और एएनएस में क्या है. जब आप सीएनएस की बात करोगे बच्चों तो इसमें दो चीजें आती हैं. एक आएगा ब्रेन और दूसरा आता है नर्व कॉर्ड. इन दो चीजों को आप जोड़ दोगे तो सीएनएस बन जाएगा. जैसे आप पीएनएस की बात करोगे ना बच्चों, पीएनएस मतलब नर्व्स होते हैं. जैसे जो ब्रेन से नर्व्स आ गए तो आप कह सकते हो नर्व्स फ्रॉम ब्रेन, जो भी नर्व्स आएंगे. और नर्व कॉर्ड से भी जो भी नर्व्स आएंगे तो हम कह सकते हैं नर्व्स फ्रॉम नर्व कॉर्ड. और ये जो नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल का, इनसे आने वाले नर्व्स को ही आप कहते हो पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जब आप एएनएस की बात करोगे बच्चों तो एएनएस में दो चीजें आती हैं. एक हम सब जानते हैं वो है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा वाला जो होता है वो है पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम. लेकिन जब आप कॉकरोच की बात करोगे बच्चों तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो बना है अलग अलग चीजों का. तो बना किसका है, वो बना है फोर गैंग्लियन और एक रेट्रोसेरेब्रल कॉम्प्लेक्स का. तो कॉकरोच का ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बना है फोर गैंग्लियन और एक रेट्रो सेरिब्रल कॉम्प्लेक्स का. सो बेसिकली फोर गैंग्लियन और एक रेट्रो सेरिब्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो मिलके क्या बना देगा आपका, एएनएस. चलिए पहले ये समझते हैं कि डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि जब नर्वस सिस्टम की बात आती है तो बहुत बार ये मुश्किल हो जाता है कि बच्चे ड्रॉ कैसे करें, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक दूंगा जिससे आप कॉकरोच का नर्वस सिस्टम इजिली ड्रॉ कर पाओ. तो सबसे पहला चीज, आप एक सर्कल बनाओगे. ये सर्कल कुछ और नहीं है, कॉकरोच का इसोफेगस है जिसे आप फूड पाइप कहते हो. अब इसी इसोफेगस के ऊपर आपको ऐसा दो लोब्स मिल जाएंगे. तो ये जो हमने बनाया इसे हम एक नाम देते हैं. इसे आप कहते हो इसोफेगस के ऊपर है ना, तो इसे आप कह दोगे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन. गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नर्व्स. जब बहुत सारे नर्व्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, गैंग्लियन बनते हैं. यहां पे हमने क्या कहा सुप्रा, सुप्रा मतलब ऊपर, किसके ऊपर, इसोफेगस के ऊपर. तो इसोफेगस के ऊपर जो है गैंग्लियन है जिसे आप कहते हो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन. सवाल ये उठता है ये होते कैसे, तो आप ये कह सकते हो कि सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन कैसा है, तो हम कह सकते हैं पैड क्योंकि दो दिख रहा है. फिर आप कह सकते हो ये बायलोब्ड है, किसके ऊपर है, इसोफेगस के ऊपर, तो आप कह सकते हो अबव इसोफेगस. लेकिन ये किसी के नीचे भी तो है, किसके नीचे, तो हम कहते हैं बिलो एंटीना. अब नेक्स्ट जो है ये तीन गैंग्लियन के फ्यूजन से बना है, तो हम कह सकते हैं फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ गैंग्लियन. अब तीन पेयर गैंग्लियंस के फ्यूज होकर के सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन बनाते हैं. अब वो कौन से तीन पेयर हैं, तो हम कह सकते हैं उन्हें प्रोटो सेरिब्रम पहला, दूसरा कह सकते हो ड्यूटेरो सेरिब्रम और तीसरा आप कह सकते हो ट्राइटो सेरिब्रम.
प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटेरोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम तीनों के फ्यूजन से जो क्रिएट हुआ वो क्या है, सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियम। अब इसी के नीचे जो है इसोफेगस के नीचे फिर से हम एक बना लेते हैं बायलोबियसल स्ट्रक्चर। अब ये इसोफेगस के नीचे है तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे सब इसोफेजियल गैंग्लियन, कहेंगे सब इसोफेजियल गैंग्लियन। सब का मतलब होता है बिलो, नीचे है, किसके नीचे है, इसोफेगस के नीचे, तो इसे आप कह दोगे सब इसोफेजियल गैंग्लियन। अब ये भी कैसा है तो इसे भी आप कह सकते हो इट इज पेयर्ड, बायलोब्ड है, राइट, और है किधर, तो हम कहते हैं बिलो इसोफेगस। ये भी जो है थ्री पेयर्स ऑफ गैंग्लियन के फ्यूजन से बना हुआ है। कौन कौन से थ्री पेयर्स ऑफ गैंग्लियन, प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटेरोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम। ये जो इसोफेजियल सब इसोफेजियल गैंग्लियन है यही एक्सटेंड करता है एज नर्व कॉर्ड। ये सबसे बड़ा बात है जो आपको समझना है, मतलब कि अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नर्व कॉर्ड। और नर्व कॉर्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखिए सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन के नीचे इसोफेगस है और उसके नीचे क्या है, सब इसोफेजियल गैंग्लियन। लेकिन सुप्रा और सब तो एक कनेक्टेड नहीं है तो इन्हें कनेक्ट करना भी जरूरी है। तो इन्हें जोड़ने के लिए क्या आता है, ये देखिए सुप्रा से निकल के सब को जाके जुड़ रहा है। ये जो जुड़ा ना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वो हिस्सा है जो सुप्रा और सब को जोड़ रहा है। तो आप कह सकते हो ये कॉकरोच की ब्रेन का वो पार्ट है जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और सब इसोफेजियल गैंग्लियन को जोड़ता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कहते हैं सरकम इसोफेजियल कनेक्टिव। सरकम इसोफेजियल कनेक्टिव का मतलब ये वो कनेक्शन है जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और सब इसोफेजियल गैंग्लियन को जोड़ता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सरकम इसोफेजियल कनेक्टिव अराइजेस फ्रॉम सुप्रा, कनेक्ट्स टू द सब, एनसर्कलिंग द इसोफेगस। ये बन गया पूरा का पूरा ब्रेन। अब इसके बाद जो आता है बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आप एक नाम देते हो, हम कहते हैं इसको नर्व कॉर्ड। सवाल ये उठता है नर्व कॉर्ड है कैसा, तो हम कह सकते हैं कि इट इज सॉलिड डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड, बराबर है, सॉलिड है, डबल है, वेंट्रल साइड पे होता है। वेंट्रल साइड मतलब क्या, नीचे की तरफ, जैसे ये हमारा जो हिस्सा है इसे हम वेंट्रल कहेंगे, हमारा जो नर्व कॉर्ड है वो पीछे है डॉर्सल साइड पे। कॉकरोच में या नॉन कॉर्डेट्स में किस तरफ होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। तो नर्व कॉर्ड कैसा है, सॉलिड है, डबल है, वेंट्रल है और गैंग्लियोनेटेड है। तो सबसे बड़ी बात, ये अराइज कहां से करता है, सब इसोफेजियल गैंग्लियन से, कहां तक जाता है, एंड तक, तो हम कहते हैं एक्सटेंड्स टिल एंड। क्लियर है इतना। अब इसके बाद जो है हमें ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा का पूरा कॉकरोच ताकि हम समझ पाए है क्या। तो ये मान लीजिए हेड पार्ट हमने बना दिया, यहां पे दो एंटीना जैसा स्ट्रक्चर बन गया और यहां से चालू हो गया आपका कॉकरोच। अब ये जो है इसमें दो हिस्से आ जाएंगे, एक एब्डोमेन आएगा, थोरैक्स आएगा, दोनों हिस्से को हम क्या करते हैं यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें गैंग्लियन है तो जो नर्व कॉर्ड में ये तीन जो गैंग्लियन है बच्चों, ये थोरेसिक रीजन में है, इसी के लिए हम इसे कहेंगे थोरेसिक गैंग्लियन। और थोरेसिक गैंग्लियन से जो नर्व्स निकल रहे हैं ये सब क्या है, थोरेसिक नर्व्स है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो ये तीन जो निकले ये क्या है, तो हम कहेंगे थोरेसिक गैंग्लियन। कितने हैं, थ्री पेयर्स। अब जो एकदम ऊपर वाला होगा बच्चों, ये इसको आप एक नाम देते हो प्रोथोरेसिक गैंग्लियन भी कह सकते हो, और ये जो बीच वाला है इसे आप कहोगे
मीजोथोरेसिक गैंग्लियन क्योंकि बीच में है, और जो लास्ट वाला है उसे आप कहते हो मेटाथोरेसिक गैंग्लियन। मतलब ये कि जो कॉकरोच का थोरेसिक गैंग्लियन है वो तीन पायर में डिवाइड है, जिसमें से आप एक कहते हो प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, मीजोथोरेसिक गैंग्लियन और मेटाथोरेसिक गैंग्लियन है। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा एब्डोमिनल गैंग्लियन। तो हम ऐसे बना लेते हैं, एक दो तीन चार पांच और ये छह, ये सबसे बड़ा है, ये एक सेगमेंट गया, ये कॉकरोच का पहला सेगमेंट एब्डोमिनल हो गया, ये गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, फिर ये गया, ये तीसरा सेगमेंट हो गया, फिर ये आया, ये चौथा सेगमेंट हो गया, फिर ये गया, तो ये पांचवा सेगमेंट हो गया, फिर ये आया, ये छठवा सेगमेंट हो गया, फिर ये सातवा सेगमेंट, आठवा, नौवा, दसवा। हम सबको ये पता है एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स हैं। इसको नंबरिंग अगर हम कर दें तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनसे भी तो नर्व्स निकलेंगे, तो ये जो नर्व्स निकल रहे हैं ये एब्डोमिनल गैंग्लियन के नर्व्स हैं। सो जब आप गैंग्लियन की बात करोगे जो एब्डोमिनल एरिया में है, इसको आप कह दोगे एब्डोमिनल गैंग्लियन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फोकस करनी है वो ये है कि ये जो सेक्शन है, नो डाउट इसे हमने क्या कह दिया, एब्डोमिनल गैंग्लियन। अब ध्यान से अगर आप देखो, पहला पांच एब्डोमिनल गैंग्लियन पहले पांच सेगमेंट में है, फर्स्ट फाइव गैंग्लियन ऑक्यूपाइज द फर्स्ट फाइव सेगमेंट, लेकिन छठवां सेगमेंट देखिए उसमें गैंग्लियन नहीं है, क्योंकि जो छठवां गैंग्लियन है बच्चों बड़ा है, इसके लिए वो सातवें सेगमेंट में एंटर करता है। मतलब आप एब्डोमिनल गैंग्लियन में ये कह सकते हो कि फर्स्ट फाइव गैंग्लियन ऑक्यूपाइज फर्स्ट फाइव सेगमेंट, ठीक है, जो लास्ट गैंग्लियन है लास्ट वाला, तो आप कह सकते हो लास्ट गैंग्लियन इज द लार्जेस्ट वन, सबसे बड़ा है, इसी के लिए देयरफॉर इट एंटर्स इन सेवेंथ सेगमेंट। मतलब छठवें सेगमेंट के बजाय वो जाकर के ओपन होता है सातवें सेगमेंट पे। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें समझ सकते हो। अब बात करते हैं नर्व्स की, जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे आप कह रहे हो। तो कुछ नर्व्स सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से निकलेंगे, कुछ नर्व्स सब इसोफेजियल गैंग्लियन से निकलेंगे। तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से निकलेगा थ्री पेयर्स ऑफ नर्व्स, सबसे बड़ी बात, यहां से थ्री पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं, जो किसको जाता है, तो ये जाएगा आई को कॉकरोच के, एंटीना को और लेब्रम को। तब इसोफेजियल गैंग्लियन है बच्चों, इससे भी नर्व्स आते हैं, तो इसके जो नर्व्स होते हैं वो जाते हैं मैंडिबल, माउथ पार्ट है, मैक्सिला माउथ पार्ट है, और है लेबियम। मतलब सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन का नर्व जा रहा है आई को, एंटीना को और लेब्रम को, सब इसोफेजियल गैंग्लियन का नर्व जा रहा है मैंडिबल, मैक्सिला और लेबियम को। उसके बाद जो आता है बच्चों ये है थोरेसिक गैंग्लियन। अब थोरेसिक गैंग्लियन में तीन है, प्रोथोरेसिक, मिजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक गैंग्लियन। इनके जो नर्व्स होंगे बच्चों, थोरेसिक गैंग्लियन के जो नर्व्स होते हैं, बेसिकली ये नर्व जाते हैं मसल्स ऑफ विंग्स एंड लेग्स। जो कॉकरोच का विंग्स होगा, लेग्स होंगे, उनके मसल्स में नर्व्स किसके जाते हैं, थोरेसिक गैंग्लियन से जाते हैं। अब दूसरा जो आता है बच्चों वो है एब्डोमिनल गैंग्लियन। एब्डोमिनल गैंग्लियन से भी बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं। नर्व्स मतलब ये वाले हिस्सा ले लो,
सो एब्डोमिनल गैंग्लियॉन्स के जितने भी नर्व्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं, मतलब ये नर्व सप्लाई होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, ये नर्व सप्लाई हो जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये नर्व सप्लाई हो जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ये नर्व्स सप्लाई हो जाएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो ये बेसिकली सारे का सारा क्या बन गया, फंक्शंस, मतलब एब्डोमिनल गैंग्लियॉन से जो नर्व्स आते हैं वो इस सारे पार्ट्स पे ट्रेवल करते हैं। लास्ट में हमारे पास जो आता है बच्चों वो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसमें पैरासिंपेथेटिक और सिंपेथेटिक है। इसमें हमने कहा कि चार गैंग्लियॉन है और एक रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा गैंग्लियॉन, तो सबसे पहला जो आता है बच्चों उसे हम कहते हैं फ्रंटल गैंग्लियॉन, ये एएनएस का पार्ट है। दूसरा जो आएगा बच्चों वो है हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियॉन, तो आप दूसरे में कह सकते हो हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियॉन, क्योंकि यहां पे चार गैंग्लियॉन है, तो पहला है फ्रंटल, दूसरा हाइपोसेरिब्रल, तीसरा जो है बच्चों वो इनग्लूवियल गैंग्लियॉन, तीसरा कहलाता है इनग्लूवियल गैंग्लियॉन। और जो चौथा वाला फोर्थ गैंग्लियॉन है बच्चों उसे आप कहोगे वेंट्रिक्युलर गैंग्लियॉन, फोर्थ वाला है इसे आप कहोगे वेंट्रिक्युलर गैंग्लियॉन। और इस तरीके से चार गैंग्लियॉन मिलके क्या बनाएंगे, एएनएस। चलिए बच्चों देखते हैं कि फ्रंटल गैंग्लियॉन है क्या, तो ये अबव द फेरिंग्स है इन फ्रंट ऑफ ब्रेन, तो आप कह सकते हो फ्रंटल गैंग्लियॉन अबव फेरिंग्स इन फ्रंट ऑफ ब्रेन, ये आपका बन गया फ्रंटल गैंग्लियॉन। हाइपोसेरिब्रल मतलब बच्चों किधर, बिलो, तो सेरिब्रल गैंग्लियॉन के नीचे, तो आप कह सकते हो इट इज ऑन द एंटीरियर रीजन ऑफ इसोफेगस, तो ये कहां प्रेजेंट है, एंटीरियर रीजन ऑफ इसोफेगस। और जो तीसरा आता है बच्चों वो इनग्लूवियल गैंग्लियॉन, ये क्रॉप पे प्रेजेंट है, क्रॉप डाइजेस्टिव पार्ट है, तो इनग्लूवियल गैंग्लियॉन प्रेजेंट ऑन क्रॉप, और ये इंपॉर्टेंट है इसी के लिए इसे आप कहते हो विसरल गैंग्लियॉन। और जो तीसरा है ना बच्चों लास्ट वाला फोर्थ वाला जिसे आप कहते हो वेंट्रिक्युलर गैंग्लियॉन, ये कहां पे प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट ऑन गिजार्ड, गिजार्ड का दूसरा नाम क्या था बच्चों, गिजार्ड को हम कहते हैं प्रोवेंट्रिक्युलस, इसी के लिए इसको क्या नाम दिया, वेंट्रिक्युलर गैंग्लियॉन। तो ये चारों जो सिस्टम है बच्चों मिलके बनेगा एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से आप सीएनएस पीएनएस और एएनएस के थ्रू कॉकरोच का पूरा नर्वस सिस्टम अच्छे से सीख सकते हैं।